देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कह रहा है और स्क्रीन शेयर। हाँ अच्छा देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, बस हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10, 11, 12 बाकी है। ठीक है, तो ये 10, 11, 12 और कुछ बाकी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो मुझे बताओगे, ठीक है, देखने के बाद, कॉपी चेक करने के बाद। मुझे जितना लग रहा है कि 10, 11, 12 भी बाकी है और कुछ बाकी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है इसमें, यहाँ पर बोला है ग्रीन लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट हैज एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। क्योंकि चैप्टर ही हमारा वो था कि अगर बिजनेस बार बार लॉस में जा रहा है तो कंपनी चाहे तो अपना रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है अप्लाई कर सकती है। तो इन्होंने किया है, रिकंस्ट्रक्शन करना है इनको क्योंकि इनका ह्यूज लॉस हो रहा है। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज 31 मार्च 2001 बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के पहले इनका बैलेंस शीट कैसे दिख रहा था ये देखो। बोल रहा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें जैसे शेयर होल्डर्स फंड आता है, शेयर कैपिटल, इसमें नोट बना हुआ है तो हम लोग नोट देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव दिख रहा है, मतलब देखो रिजर्व सरप्लस में ना क्या होगा, पीएल का डेबिट बैलेंस ही होगा। क्योंकि अगर मेरा पीएल का क्रेडिट बैलेंस है नहीं तो मेरे पास ना अदर कोई रिजर्व होने का चांसेस होता भी नहीं है। अगर नोट्स में देखोगे तो सिर्फ पीएल डेबिट ही दिखेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 15 लाख दिख रहा है, देखना पड़ेगा कितने तरीके का लॉन्ग टर्म बोरिंग है या फिर सिर्फ डिवेंचर ही है। ट्रेड पेबल, इसमें कुछ नोट नहीं बना हुआ है, मतलब मार्केट में हमारा ट्रेड पेबल है 5 लाख। उसके बाद एसेट में पीपी का नोट बना हुआ है, इनटेंजिबल एसेट का भी नोट बना हुआ है, करेंट एसेट इनका 0 है, कुछ भी नहीं है इनके पास। अब नोट्स भी आ गया। शेयर कैपिटल में देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल है इनका 1,50,000, इक्विटी शेयर 50, जिसका मतलब होता है कि ये कंपनी मार्केट में 1,50,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, देखो क्या बोला है, कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया था 50 रुपीज करके, मतलब जितने का है उतने उतना पूरा फुल वैल्यू में। उसके बाद कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था 50 रुपीज वाला, लेकिन 40 पेड अप। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने 50 रुपीज का ही शेयर इशू किया, लेकिन अभी तक सिर्फ 40 रुपीज ही कलेक्ट किया है, 10 रुपीज बाद में कलेक्ट करने का सोचा था। ऐसा कंपनी कर सकती है, ठीक है, कंपनी चाहे तो वो पार्ट पार्ट पेमेंट ले सकती है। ये सब पॉइंट पहले होता था, मतलब आज के डेट पे ऑनलाइन के जमाने पे ऐसे पार्ट पेमेंट वाला और रहता नहीं है, फिर भी ठीक है हमें दिया है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 40 पेड अप है, मतलब सारे शेयर्स पे एक एक शेयर पे 40 रुपीज करके मिला हुआ है, मतलब कंपनी चाहे तो और भी 10 रुपीज अभी कॉल कर सकती है क्योंकि उसका राइट्स है। क्योंकि एक शेयर उसने 50 का इशू किया हुआ था, 40 ही कॉल किया था और पेड अप 40 हुआ है, इसका मतलब और भी 10 पेड अप हो सकता है। रिजर्व सरप्लस में जैसे कि मैंने बोला था, देखो सिर्फ लॉस ही दिखेगा क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो और कुछ रिजर्व तो बनना मुश्किल है। तो यहाँ पर 20 लाख दिया हुआ है नेगेटिव। लॉन्ग टर्म बोरिंग में अच्छा दो तरीके का इनके पास डिबेंचर है, 12% फर्स्ट 12% सेकेंड। अब ये क्या होता है, ये परसेंटेज तो इंटरेस्ट बताता है क्योंकि डिबेंचर तो हमारा लोन होता है, कि इसका मतलब अगर कोई कंपनी को 100 रुपीज दिया है तो उसे 12 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट हमें यही बता रहा है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मॉर्गेज, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। मतलब हम लोग अगर कुछ गिरवी, कंपनी अपना कुछ एसेट गिरवी रख के डिबेंचर इशू कर रही है तो मॉर्गेज डिबेंचर, ठीक है, मतलब सिक्योर्ड बोलते हैं बेसिकली उसे। अनसिक्योर्ड मतलब जब कुछ भी हम लोग जो है गिरवी नहीं रखते हैं, यानी कुछ भी एसेट हम लोग चार्ज चार्ज बोला जाता है इसे कंपनी के लैंग्वेज में, चार्ज नहीं रखते हैं। तो ये कैसा डिवेंचर है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड डिवेंचर एक्चुअली प्रायोरिटी बेसिस पे बनता है, प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब है अगर कंपनी बंद होने वाली है तो पहले ये फर्स्ट डिवेंचर जिनको इशू किया गया है उनको पेमेंट किया जाएगा, फिर पैसा बचने से सेकेंड डिवेंचर वाले को। तो प्रायोरिटी बेसिस पर डिवेंचर का नाम ऐसे मतलब नाम दिया जाता है, फर्स्ट डिवेंचर सेकेंड डिवेंचर इस तरीके से। तो कंपनी का टोटल दो तरीके का, और ये डिवेंचर सिक्योर्ड भी है, ठीक है, सिक्योर्ड और फर्स्ट डिवेंचर सेकेंड डिवेंचर। मतलब कंपनी ने जरूर कुछ मॉर्गेज रखा होगा, वैसे यहाँ बोला नहीं है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में पढ़ के मॉर्गेज के बारे में कुछ बोला है कि नहीं। पीपी का है, बिल्डिंग है, इनके पास प्लांट है, कंप्यूटर है, 10-10 लाख का, दो एसेट है, कंप्यूटर है 25 लाख का, गुडविल है 20 लाख।
फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड. मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का इंटरेस्ट का मतलब एक्चुअली मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को इस कंपनी से क्या मिलने वाला है. अच्छा मिलेगा क्यों, पहले देख लो मिस्टर एक्स कौन है. बोल रहे कि मिस्टर एक्स का 12% फर्स्ट डिवेंचर है इस कंपनी में 3 लाख, 12% सेकेंड डिवेंचर है 7 लाख, ट्रेड पेबल है 2 लाख. मतलब मिस्टर एक्स ने इस कंपनी से डिवेंचर लिए थे, ठीक है, मतलब कंपनी को लोन दिया था कितना 3 लाख, और ये फर्स्ट डिवेंचर कैटेगरी में दिया था. सेकंड डिवेंचर भी इन्होंने जब कंपनी इशू किया तो इन्होंने वो भी परचेज कर लिया 7 लाख का. मतलब कंपनी को इन्होंने टोटल 10 लाख का डिवेंचर कंपनी से लिया है. बेसिकली डिवेंचर जब इशू होता है वो तो कंपनी करती है, मतलब कंपनी ने इनसे 10 लाख का लोन ले रखा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. और ट्रेड पेबल मतलब कंपनी के साथ इनका कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इसीलिए कंपनी को इनको 2 लाख रुपीस पेमेंट करना पड़ेगा. कंपनी के ये क्रेडिटर भी है, ठीक है, इसीलिए इनको इंटरेस्ट है ग्रीन लिमिटेड में कि भाई मैंने तो अपना इतना पैसा लगा रखा है इस कंपनी में, थोड़ा तो मतलब 3 लाख और 7 लाख तो लोन के अकॉर्डिंग यानी डिवेंचर, और बाकी ट्रेड पेबल. मिस्टर वाई का भी कुछ इंटरेस्ट है. देखो मिस्टर वाई बोल रहे हैं फर्स्ट डिवेंचर जितना है ना कंपनी के पास उसमें से तो 2 लाख मैंने ही दे रखा है, सेकेंड डिवेंचर में से 3 लाख मेरा है, ट्रेड पेबल मुझे मिलने वाला है 1 लाख. तो कंपनी को टोटल मिस्टर एक्स को पेमेंट करना चाहिए 12 लाख और मिस्टर वाई को 6 लाख, ठीक है. अब इन्होंने कौन कौन सा शेयर यहाँ पर देखो और भी बताया, ये शेयर भी होल्ड कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि फुल्ली पेड अप 50 शेयर्स 3 लाख वाला, और मिस्टर वाई फुल्ली पेड अप जो 50 रुपीज वाला शेयर है वो 2 लाख का, और पार्टली पेड अप में 5 लाख और 5 लाख. मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस कंपनी के शेयर होल्डर भी है एज वेल एज डिवेंचर होल्डर भी है. ये दोनों देख के पता चल रहा है डिवेंचर होल्डर है, ये देख के पता चल रहा है शेयर होल्डर है, और ये कंपनी के क्रेडिटर भी है, ठीक है. तो कंपनी के साथ इनका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर होगा. देखते हैं इनके लिए कंपनी ने क्या बोला है, वो तो स्कीम हमें बताएगा. बोल रहा है कि फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड एंड आल्सो बाय द कोर्ट. जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी है इंक्लूडिंग मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये भी तो इंटरेस्टेड पार्टी है, सारे पार्टी ने अप्रूव किया है, कंपनी ने जो भी स्कीम रेडी किया था और कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया, ठीक है. तो फिर एज एन अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एंट्री करेंगे, ठीक है. बेसिकली हमें एंट्री करने बोलेगा और इनके जो नए बैलेंस शीट है उसको रेडी करने बोलेगा. बोल रहे हैं अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड अप पहले इन फुल, ठीक है. अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड अप इन फुल, इसका मतलब कौन सा बोल रहा है. अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब देखो कंपनी का एक एक शेयर था 50 रुपीज वाला, कंपनी का बस इक्विटी शेयर ही था जिसमें से कंपनी ने 1 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर 50 रुपीज वाला जो है 40 पेड अप में इशू किया था. अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर देखो हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये देख यहाँ पर 1 लाख, ये देखो 1 लाख का 50 करके था ये. इसमें तो कोई कॉल नहीं हो सकता क्योंकि 50 था, 50 ही मिल गया. कैसे पता चला, 50,000 इंटू 50 करके देख लो 25 लाख, और अगर नहीं होता तो लिखा हुआ रहता कॉमा कितना पेड अप, तो फुल्ली पेड अप है. इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब फुल्ली पेड अप है, ठीक है. फुल्ली पेड अप सारे पैसे मिल चुके हैं 50,000 शेयर्स पे जितना मिलना चाहिए. तो एक शेयर 50 का है तो मैक्सिमम 25 लाख ही मिलेगा. यहाँ पर 1 लाख पे कंपनी को और भी 10 रुपीज करके मिलने वाला है क्योंकि 50 में 40 ही पेड अप है, तो 10 रुपीज करके मिलेगा. तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, जो अनकॉल्ड अमाउंट था एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है, जो अनकॉल्ड अमाउंट था वो कंपनी ने फुल्ली कॉल कर लिया. मतलब पूरे 1 लाख शेयर्स पे और भी 10 रुपीज करके कॉल करके 10 लाख का कैपिटल जमा कर लिया होगा. एंड सच शेयर्स एंड द अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 20. बताते तो सबसे पहले हमें क्या एंट्री करना पड़ेगा कि कंपनी ने जितने भी अनकॉल्ड कैपिटल थे सारे कॉल्ड अप कर लिए. तो पहले इसका एंट्री कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके एंट्री स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड. Particulars, debit, credit. यहाँ पर डेट लिख देते हैं. डेट तो वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है. अच्छा सबसे पहले ये लोग
कैपिटल जो अनकॉल्ड है उसे कॉल करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होता है? देखो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री तुम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हो, बैंक टू कैपिटल या फिर कैश टू कैपिटल। अब जब पार्टनरशिप होता है तो क्या करते हो, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो भी पार्टनर पैसा दे रहा है तो उनका नाम लिखना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन कंपनी के केस पे क्या होता है, इतने सारे शेयर होल्डर का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। मान लो बहुत सारे शेयर होल्डर है तो क्या हम लोग उनका सभी का नाम एक एक करके लिखते जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉल करने का कैपिटल आ रहा है हमारे पास, तो सेम एंट्री होगा लेकिन लिखने का पैटर्न ऐसा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम शॉर्ट में ईएससी लिख रहे हैं। तुम लोग जब भी एग्जाम में लिखोगे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितने कैपिटल कॉल कर सकते हैं, 10 रुपीज करके, एट द रेट ऑफ 10 करके, बाकी था उतना 1 लाख शेयर पे। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या ऑथोरिटी था, टोटल देखो 1,50,000 शेयर इशू करना, जिसमें से 50 उसने पूरा ही इशू कर दिया है, लेकिन 50,000 पे पूरा पैसा ले लिया था, 1 लाख पे 10 रुपीज करके बाकी रखा था, तो जितना बाकी था उतना ही वो एक्वायर कर सकते हैं। तो 1,00,000 × 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी सेम 10 लाख ही आएगा। नैरेशन लिखना पड़ेगा, बी अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ रुपीस 10 पर शेयर इज कॉल्ड। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल का कॉल कर लिया गया है। अच्छा, इसके बाद वो स्कीम में ही हमें एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ था, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, बोल रहा है कि उसके बाद कंपनी ने क्या किया है, एंड सच शेयर, सच शेयर का मतलब जिस शेयर पे हम लोगों ने कॉल्ड अप किया। ठीक है, मतलब ये 1 लाख नंबर ऑफ शेयर का बात हो रहा है, ये वाला 1 लाख शेयर, एंड द अदर फुल्ली पेड अप शेयर। अदर फुल्ली पेड अप शेयर कितना था, 50,000 था। ये देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर दिखाया तुम लोग, अदर फुल्ली पेड अप शेयर कितना था, 50,000 था। तो यानी कि टोटल 1,50,000 शेयर्स पे कुछ बात चल रहा है, बोल रहा है कि बी कन्वर्टेड, ये सारे शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया गया इक्विटी शेयर अब 20 ईच में। ठीक है, 20 रुपीज वाले शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये शेयर पहले कितने के थे बता सकते हो, मतलब यहां से देख के तो आराम से बता सकते हो ना, अभी 20 के बना दिए जाएंगे सारे शेयर्स, पहले कितने के थे ये बताओ, बोलो। बोलो कितने के शेयर थे जो कन्वर्ट हो जा रहा है 20 में, अनकॉल्ड कैपिटल पे जो हम लोगों ने कॉल्ड अप किया वो शेयर कितने का था, सारे शेयर्स कितने के थे, यहां से देख के बताओ, चलो यहां से देख के बताओ, यहां दिख रहा है डेटा, बोलो सारे शेयर्स कितने के थे, एक एक शेयर कितने के थे, 50। ठीक है, ये 50 का था, ये 40 का था, इसको भी तो 10 कॉल्ड करके 50 कर लिया। अब कंपनी बोल रही है 50 वाला शेयर्स हम लोग कितना में बना देंगे, 50 वाले शेयर्स का वैल्यू कम करेंगे, वही तो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कम करके कितने में लाया जाएगा, 20 में। ठीक है, तो चलो पुराना वाला शेयर चला जाएगा, तो इक्विटी शेयर मतलब पुराना कैपिटल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना करके था पुराना कैपिटल, 50 रुपीज करके था। ठीक है, 50 रुपीज करके कितना सारा शेयर्स पे हमें मिला हुआ था बता सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना मल्टीप्लाई करें बताओ, तब तो यहाँ पर वैल्यू लिख पाएंगे सही, और नया वाला बन जाएगा 20 रुपीज वाला। ठीक है, वो कितना सारा होगा, और बेनिफिट कितना हो रहा है, 30 रुपीज, क्योंकि हम लोग अगर किसी से 50 रुपीज लिए है लेकिन उसको इंसिस्ट कर रहे, मतलब उसको बोल रहे कि भाई 20 मान लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग 20 कर चुके तो 30 कम कर रहे, 30 कैपिटल रिडक्शन होगा। मुझे बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, बोलो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, कितने शेयर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, सभी सारे शेयर्स तो बोला है, सच शेयर्स एंड द अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो सच शेयर्स 50,000, अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स, सॉरी सच शेयर्स 1 लाख और अदर फुल्ली पेड अप शेयर 50,000, तो टोटल कितना होगा, बोलो ये दोनों का टोटल नहीं कर पाएंगे हम लोग, 1,50,000, हाँ 1,50,000, तो 1,50,000
शेयर्स जो कि 50 रुपीस करके हमारे पास आ चुका है। देखो यहाँ पर टोटल करने से वैसे पता चलना चाहिए 65 लाख, लेकिन इसमें अभी अभी हम लोगों ने और भी तो 10 लाख का कॉलिंग कर लिया ना, तो टोटल ये बन गया 75 लाख का। अब कंपनी बोल रही है इसका 50 का वैल्यू 20 कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 75 लाख। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 75 लाख, 1,15,50 करके। अच्छा, फिर यहाँ पर अभी कंपनी बोल रही है नहीं, इसको हम लोग करने वाले हैं 20 रुपीज में ट्रांसफर, यानी ये 30 लाख हो जाएगा और पर शेयर पे इनका बेनिफिट हो जाएगा 30 रुपीज करके 1,50,000, 45 लाख। बी इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 50 रिड्यूस्ड 2,20 रुपीज ईच। ठीक है, 20 करके ये रिड्यूस हो गया। बस पहला जो पॉइंट था वो हम लोग का हो गया, पहले अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल किया, फिर सारे फुल्ली पेडअप, क्योंकि हम लोग का 50,000 फुल्ली पेडअप था, 1 लाख हमारा पार्टली पेडअप था, 40 पेडअप था, 10 बाकी था। सारे शेयर्स का फुल्ली पेडअप हो गया और हम लोग का यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में दिख रहा है अभी 45 लाख। ठीक है, ये स्कीम करने के बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। पॉइंट ए हो गया मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स कौन थे? मिस्टर एक्स तो इस कंपनी के डिवेंचर होल्डर भी थे, शेयर होल्डर भी थे, एज वेल एज ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर भी थे। मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि वो अपना जो भी मतलब कंपनी को उन्हें जितना भी पे करना था टूवर्ड्स डिवेंचर हो या फिर ट्रेड पेबल हो, 7 लाख टोटल डेट, टोटल डेट में अदर देन शेयर अमाउंट लेना है, मतलब शेयर यानी इक्विटी शेयर का डिटेल्स नहीं लेना है। ठीक है, इनका जो टोटल डेट था तो विदाउट इक्विटी शेयर इनका टोटल डेट कितना था? 12 लाख। ठीक है, मिस्टर एक्स का इक्विटी शेयर को अगर हटा देते हैं तो टोटल लाइबिलिटी कंपनी का मिस्टर एक्स की तरफ है 12 लाख। ठीक है, डिवेंचर दो तरीके का 3 और 7 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, तो टोटल 12 लाख में से इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 7 लाख तो कैंसिल करवा देंगे, मतलब 7 लाख तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल रिडक्शन में जाना चाहिए। और बोल रहा है और कंपनी को ये पे करेंगे 2 लाख टू कंपनी एंड टू रिसीव न्यू 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर बैलेंस अमाउंट। मतलब सीधा सा बात है, देखो मिस्टर एक्स का अगर हम लोग शेयर को इक्विटी शेयर को इग्नोर करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो 12 लाख जो है कंपनी को इनको देना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर एक्स बोल रहे हैं मुझे 7 लाख नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बचता है कितना? फिर 5 लाख, और उसमें ये क्या बोल रहे हैं, हम कंपनी को खुद 2 लाख देंगे। ठीक है, अब कंपनी को ये खुद 2 लाख देंगे, यानी इनका लाइबिलिटी यहाँ पर 2 लाख और बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी को ये 2 लाख दे रहे हैं और बदले में क्या लेंगे, 14% फर्स्ट डिबेंचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 लाख नहीं लेना है, इनका लोन पहले तो 12 लाख था कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी सोच रही थी कि मुझे मिस्टर एक्स को 12 लाख देना पड़ेगा शेयर के अलावा बाकी अमाउंट, लेकिन इन्होंने खुद कंपनी को और 2 लाख दे दिया, मतलब टोटल 14 लाख का हो गया पेबल अमाउंट, जिसमें से ये 7 लाख बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अमाउंट के लिए ये बोल रहे हैं हम डिवेंचर ले लेंगे। ठीक है, बाकी अमाउंट के लिए हम डिवेंचर ले लेंगे, तो ये कितना डिवेंचर लेंगे? 7 लाख का। ठीक है, 7 लाख का डिवेंचर लेंगे, इस तरीके से होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब मिस्टर एक्स का जो लाइबिलिटी है वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे खत्म होगा, उसमें ये कुछ एडजस्टमेंट हमें बता रखा है, तो हम लोग पहले एंट्री करते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग मिस्टर एक्स के लिए एक एंट्री पास करते हैं कि इनका 3 लाख, 7 लाख और 2 लाख हम लोग एडजस्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए क्या सिस्टम होगा वो देखो। पहले हम लोग इसका एंट्री करेंगे बुक से, मिस्टर एक्स का डिवेंचर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12% फर्स्ट डिवेंचर डेबिट हो जाएगा फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हट जा रहा है बुक से। ठीक है, इसीलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं, कितना? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख हो जाएगा। इसके बाद 12% सेकेंड डिवेंचर, 12% सेकेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी हम लोग का है 7 लाख, ये हम लोग का 7 लाख है। और ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल है हम लोग का 2 लाख, 2x। ठीक है, 2x,
अच्छा टोटल कितना हो जाएगा 12 लाख, क्योंकि देखो एक्स को हमें ये अमाउंट पे करना है, तो हम लोगों ने इस अमाउंट को क्या कर दिया, हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोग अगर पे कर देते तो टू कैश कर देते, अभी हम ड्यू करके दिखा रहे हैं कि हम लोग को मिस्टर एक्स को कितना देना पड़ेगा, 12 लाख देना पड़ेगा। जो भी देना पड़ेगा वो सारे टोटल करके हर एक कैटेगरी में हम लोगों ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो लिखेंगे बी टोटल अमाउंट ड्यू टू एक्स ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, हम लोगों ने एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या बना, हम लोग दिखा रहे हैं कि एक्स को हमें 12 लाख देना है, ठीक है। और ये अगर हम लोग दे देते हैं तो हम लोग के बुक से डिवेंचर 3 लाख, 7 लाख और ट्रेड पेबल 2 लाख का कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो ये हम लोगों ने ड्यू करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोग एक्स का सेटल डाउन करने गए तो एक्स हमें और भी 2 लाख रुपीज दे रहा है, जो कि हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में बताया कि एक्स जो है वो खुद से 2 लाख कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका एंट्री करना पड़ेगा, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, यहां पर लिखेंगे 2 लाख और यहां पर भी लिख देंगे 2 लाख। बी अमाउंट पेड बाई एक्स अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी ने क्या किया है, मतलब एक्स से 2 लाख लिया है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिखा रहा है, ठीक है। अब कैसे करके एडजस्टमेंट करेंगे वो देखो। अब क्या बोल रहा है कि एक्स बोल रहा है कि मुझे 7 लाख नहीं देना पड़ेगा, हम अपना 7 लाख कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक्स का पूरा सेटल डाउन कैसे होगा, तो एक्स का पेबल अमाउंट इधर 12 लाख और इधर 2 लाख, 14 लाख दिख रहा है, जो कि हम लोग कैंसिल करने जा रहे हैं। अब कैसे करके कैंसिल करेंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, हम लोगों को मिस्टर एक्स को टोटल 14 लाख का जो है पेमेंट करना है, ठीक है। 14 लाख का एडजस्टमेंट करना है। अब कैश दो, डिबेंचर दो, कुछ भी दो, इसमें से मिस्टर एक्स बोल रहे हैं कि मुझे जो भी अमाउंट कंपनी मुझे देने वाली है, मुझे तो कंपनी को कंपनी मुझे तो 12 और 14 लाख कंपनी को मुझे देना चाहिए, उसमें से हम 7 लाख कंपनी को छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं मत दो चलेगा, ठीक है। तो ये 7 लाख हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 7 लाख, और बाकी जो 7 लाख हो रहा है, 14 लाख में 7 लाख जो है नहीं देना पड़ेगा, और बाकी है, ये देखो यहाँ पर एंड टू रिसीव 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया 7 लाख। ये भी मिस्टर एक्स बोल रहे इसके बदले मुझे जो नया डिबेंचर इशू हो रहा है 14% वाला वो मुझे दे दो, तो 2 14% फर्स्ट डिबेंचर, ठीक है। इस तरीके से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से ए का प्रीवियस कैंसिलेशन हो गया, ए का ये भी डिवेंचर कैंसिल, ये भी कैंसिल, ट्रेड पेबल भी कैंसिल, ठीक है। कम हम लोग को ए को 12 और 2 टोटल 14 लाख देना था, जिसमें से 7 लाख ए खुद बोल रहे हैं, सॉरी एक्स खुद बोल रहे हैं कि मुझे नहीं देना पड़ेगा, मतलब मत दो, तो ये कंपनी बोल रही है ठीक है हमारा तो प्रॉफिट हो गया कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, और बाकी जो अमाउंट बच रहा है उसके लिए मुझे डिवेंचर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कैंसिलेशन ऑफ Being cancellation of 7 lakh out of total debt, मतलब debt मतलब loan of Mr. X and issue 14% first debenture for the balance amount. ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए। अच्छा अब देखो सेम कंसेप्ट हमें मिस्टर वाई के लिए भी बोला है, मिस्टर वाई टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के अलावा टोटल जितना भी डेट है उसमें से वाई अपने 3 लाख को कैंसिल करने वाले हैं, मतलब 3 लाख कंपनी के लिए कैपिटल रिडक्शन होगा, एंड टू एक्सेप्ट न्यू 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर द बैलेंस, और जितना भी बाकी अमाउंट बच रहा है जो कि वाई को मिलना चाहिए कंपनी के तरफ से, वाई बोल रहे हैं उसके बदले मुझे 14% फर्स्ट डिबेंचर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विदाउट शेयर्स, शेयर्स को अगर हटाते हैं तो वाई
वाई को कंपनी को देना चाहिए 6 लाख, वाई बोल रही है ठीक है 3 लाख मत दो चलेगा मुझे, इसका मतलब बाकी बैलेंस 3 लाख बचता है, इसके लिए मुझे 14% वाला डिवेंचर दे दो, ठीक है। और जैसे एक्स ने कंपनी को 2 लाख दिया था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वाई का सारा लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, ट्वेल्व परसेंट सेकेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, ट्रेड पेबल 1 लाख है, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है, टू वाई अकाउंट 6 लाख, बी टोटल अमाउंट ड्यू टू वाई ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। हम लोगों ने क्या देख, यहाँ पर ये एंट्री हमें क्या बता रहा है कि y को हमें जितना देना है उसका हम लोगों ने यहाँ पर टोटल करके लिख लिया। अब हम लोग y को ये अमाउंट कैसे पे करेंगे वो देखो, हम लोग 6 लाख में 3 लाख y खुद बोल रहा है कि हम फॉरगो कर रहे हैं यानी कैंसिल कर रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा y अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन जितना नहीं देना पड़ेगा वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो वाई बोल रहा है मुझे 3 लाख देना नहीं है, ठीक है, 3 लाख मुझे मत दो, ये देखो यहाँ पर बोल दिया है। वाई बोल रहा है हम कैंसिल करते हैं अपना 3 लाख, बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए मुझे 14% डिवेंचर दे दो। तो डिवेंचर लोन होता है, लोन कौन दे रहा है, वाई दे रहा है, तो वाई टू लोन, लोन की जगह नाम लिखेंगे 14% फर्स्ट डिवेंचर, ठीक है, 14% फर्स्ट डिवेंचर, ये हो जाएगा 3 लाख। बी अमाउंट ड्यू टू वाई डिस्चार्ज बाई इश्यू ऑफ 14% फर्स्ट डिवेंचर एंड बाई कैंसिल ऑफ 3 लाख and by cancellation of 3 lakh and by cancellation, ठीक है, 3 लाख कैंसिल कर दिया है और बाकी बैलेंस जो कि 3 लाख ही आ रहा है, तो 3 लाख के लिए जो है डिबेंचर ले लिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या स्कीम बोला है, लास्ट डी पॉइंट ही लास्ट है। द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल बाय द स्कीम शैल बी यूटिलाइज्ड इन द राइटिंग ऑफ गुडविल, बोल रहा है कि जो भी अमाउंट हम लोगों ने मतलब एक्वर्ड किया है, मतलब कैपिटल रिडक्शन में जो हमारा प्रॉफिट आया है, मतलब सेट ऑफ करने के बाद देखना पड़ेगा जितना आ रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, वो यूटिलाइज करना है हमें गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। फिर पहले गुडविल और पीएल को राइट ऑफ करेंगे, फिर अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो उससे हम लोग कंप्यूटर के वैल्यू को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना है कैपिटल रिडक्शन में, कितना अमाउंट हमारा जो है गैदर हुआ है, तो यहाँ पर 45 लाख, ये देखो 45 लाख हमें दिख रहा है क्रेडिट, ठीक है, 45 लाख क्रेडिट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो 7 लाख क्रेडिट दिख रहा है मुझे, एक 7 लाख क्रेडिट। अच्छा इसके बाद और क्या है, डेबिट क्रेडिट ये रहा, 3 लाख क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है।
3 लाख क्रेडिट दिख रहा है तो टोटल 55 हो रहा है, 40, ये 7 और 3 10 हो रहा है, 55 लाख का क्रेडिट बैलेंस बन रहा है, 55 लाख का जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके। अब इसको यूज करके सबसे पहले गुडविल और पीएल को राइट ऑफ करना है, फिर अमाउंट बचेगा तो हमें कंप्यूटर को राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैपिटल रिडक्शन का कितना यूज कर सकते हैं, 55 लाख, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 55 लाख, ठीक है, 55 लाख लिख लिया पूरा। अब देखते हैं कितना चाहिए होगा, अगर हमारा ज्यादा होगा तो रिजर्व में ट्रांसफर होगा, कम होगा तो फिर सारे चीजों को राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले गुडविल और पीएल को राइट ऑफ करना है, तो देखते हैं गुडविल कितना है, गुडविल 20 लाख है, क्या राइट ऑफ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हमारे पास 55 लाख है, उसमें से गुडविल के लिए हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं 20 लाख, गुडविल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख। इसके बाद पीएल देख लेते हैं, पीएल बोला था नेक्स्ट राइट ऑफ करने के लिए, तो पीएल में हम लोग का कितना है, 20 लाख है, क्या हमारे पास बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, हाँ है, 55 लाख में से 20 लाख यूज करने के बाद अभी भी हमारे पास 35 लाख बचा हुआ है, उसमें से हम लोग पीएल को राइट ऑफ कर सकते हैं आराम से, पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 20 लाख। अच्छा, 40 लाख का राइट ऑफ किया, अभी भी हमारे पास 15 लाख बच रहा है, ये देखो टोटल 40 लाख का राइट ऑफ किया, तो इसमें से 40 लाख चला गया, तो अभी भी हमारे पास 15 लाख बचेगा, 15 लाख से हम लोग कंप्यूटर को राइट ऑफ कर सकेंगे। देखते हैं कंप्यूटर का वैल्यू कितना था, तो यहाँ पर दिखा रहा है कंप्यूटर का वैल्यू था 25 लाख, अच्छा उसमें से हम लोग 15 लाख ही कर पाएंगे, पूरा कंप्यूटर को राइट ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना अवेलेबल बैलेंस नहीं है, तो कंप्यूटर को कितना राइट ऑफ कर पाएंगे, मैक्सिमम 15 लाख बचा है तो उतना ही राइट ऑफ कर पाएंगे, अगर इससे ज्यादा बचता, जितना बचता उतना ही राइट ऑफ करते, अगर 25 बचता, मान लो यहाँ पर अगर हो जाता यहाँ पर 75, हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, तो यहाँ से 20 लाख और आराम से 25 लाख भी हम लोग राइट ऑफ कर पाते, मतलब ये कंप्यूटर वाला, ठीक है, ये भी राइट ऑफ कर पाते, तो हमारे पास उसके बाद भी कुछ ना कुछ बच जाता, कितना बचता देखते हैं, ये माइनस 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 20 20 20 60 और यहाँ पर 65, तो 10 लाख बचता जिसे हम लोग टू कैपिटल रिजर्व बोल के दिखा देते, ठीक है, अगर हमारा ऐसा अमाउंट होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो अमाउंट है उससे दो आइटम पूरा पूरा राइट ऑफ हो गया और कंप्यूटर से 15 लाख तक राइट ऑफ हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कैपिटल रिडक्शन बैलेंस is used to write off goodwill, PL and computer. Goodwill, PL and computer. ये सब राइट ऑफ करने के काम आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये सारे चीजों को राइट ऑफ करके दिखाओ। अच्छा, यहाँ पर द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल हो गया, ये बार रिक्वायर्ड टू ड्रॉ जर्नल इंट्रेस्ट जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टू रिकॉर्ड द सेम एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी। अब हम लोग को बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एंट्री हम लोग का पूरा है, अब हम लोग बैलेंस शीट दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड ब्रैकेट में एंड reduced as at 31st of March 2001, एक बार देख लेते, 31st ही था, हाँ 31st March 2001, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग, ये वाला जब बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है तो इसे देख देख के ही बना लेंगे, अमाउंट नोट्स पर्टिकुलर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग होता है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड लिखो, शेयर
holders. शेयरहोल्डर्स फंड इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें ए पॉइंट देके शेयर कैपिटल आ जाएगा. शेयर कैपिटल तो इसमें नोट नंबर और अमाउंट यहां पर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स. और लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया, तुम लोग जब भी करोगे जरूर लाइन ड्रॉ करके ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा लिखोगे तो बैलेंस शीट नहीं होता है, फॉर्मेट पूरा ऐसा बनना चाहिए. रिजर्व सरप्लस लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि रिजर्व सरप्लस में जो अमाउंट था पीएल का डेबिट बैलेंस वो हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, तो रिजर्व सरप्लस हमें लिखने का जरूरत नहीं होगा. पॉइंट बी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में देख लेते हैं क्या था. नॉन करेंट लाइबिलिटी में हम लोग का 12% फर्स्ट और 12% सेकेंड डिवेंचर था, ठीक है, तो जिसमें से देखते हैं 12% फर्स्ट डिवेंचर 5 लाख था, तो क्या इन दोनों का मिला के 5 लाख हो रहा है? बिल्कुल इन दोनों का मिला के ही 5 लाख हो रहा है. ये दोनों ने तो अपना डिवेंचर कैंसिल करवा लिया, मतलब सेटल डाउन करवा लिया, बस डिवेंचर होल्डर दो ही थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दोनों ने मिलकर अपने डिवेंचर को कैंसिल करवा लिया, तो 12% फर्स्ट डिवेंचर तो हमारा और बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ठीक है. अब सेकेंड डिवेंचर देखते हैं, इन दोनों का मिलके कितना था, 10 लाख था, ठीक है. अब बैलेंस शीट में देखते हैं कि कितना डिवेंचर था, क्या इन दोनों का ही था बस? हाँ, इन दोनों का ही था, यानी हम लोग का ये डिवेंचर जो था ये भी बैलेंस शीट से हट जाएगा, लेकिन इन दोनों ने ही एक नया डिवेंचर एक्सेप्ट किया है, 14% फर्स्ट डिवेंचर वो आ जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला जो है पॉइंट वो रखना पड़ेगा, ठीक है. तो हम यहां पर लिख लेते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ये हो जाएगा नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2. थर्ड नंबर पे करेंगे करेंट लाइबिलिटी. अच्छा, करेंट लाइबिलिटी लिखा हुआ था, देखते हैं. करेंट लाइबिलिटी में था ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल ना इन दोनों का भी था, क्या यही लास्ट था? तो ये तो नहीं लिखना पड़ेगा. ये देखो 5 लाख था टोटल, और इन दोनों का ट्रेड पेबल कितना था, 2 लाख प्लस 1 लाख. अच्छा, मिस्टर एक्स और वाई को मिला के ट्रेड पेबल बन रहा था 3 लाख, जबकि बैलेंस शीट में टोटल ट्रेड पेबल है हम लोगों का 5 लाख, ठीक है. टोटल ट्रेड पेबल 5 लाख है, मतलब ट्रेड पेबल अभी भी हम लोग का बचेगा, ठीक है. ट्रेड पेबल अभी भी हम लोग का बच जाएगा कितना, 2 लाख बच जाएगा, ठीक है. 5 लाख था टोटल, जिसमें से एक्स और वाई का मिला के 3 लाख है, तो अभी भी 2 लाख बचेगा, तो इसका हम लोग नोट बना लेंगे, ट्रेड पेबल नोट नंबर 3. अच्छा सॉरी, ये करेंट लाइबिलिटी लिखा है, इसमें ट्रेड पेबल लिखेंगे तब नोट नंबर 3 लगाएंगे, ट्रेड पेबल नोट नंबर 3 हो गया. अब इसका टोटल कर लेंगे, उसके बाद एसेट. एसेट्स में सबसे पहले आ जाता है नॉन करेंट एसेट. नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा पॉइंट ए में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या क्या था, ये नोट्स बनेगा क्योंकि इसमें ना बिल्डिंग प्लांट था जो कि एज इट इज है, कंप्यूटर बस दिखेगा 15 लाख कम हो गया है, तो ये 20 लाख में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोगों ने कम किया ना 15 लाख से, शायद 15 लाख से ही किया, हाँ, तो हम लोग का कंप्यूटर का बैलेंस दिखेगा 20 लाख, यानी 30, 40 और 20, ये कुछ इतना दिखना चाहिए, 60 ऐसा कुछ दिखेगा शायद, देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, ठीक है. ये 10 लाख होगा, 10, 10, 10, 30, हाँ, ये 15 लाख कम हो गया ना, तो ये 10 हो रहा है, तो 10, 10, 10, 30 लाख दिखेगा, तो इसका भी हमें नोट्स बना लेना चाहिए. तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका नोट नंबर बन जाएगा 4, नोट नंबर 4 हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद कौन सा आइटम आ रहा है देखते हैं, यहाँ पर
इनटेंजिबल एसेट में गुडविल था, गुडविल पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया। 20 लाख का 20 लाख ही हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, तो इसका मतलब और इसका कोई मतलब यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है कि इनटेंजिबल एसेट कुछ आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हट जाएगा। फिफ्थ नंबर जो नोट्स है ये वाला हम लोग का हट जाएगा। बच रहा है करेंट एसेट, क्या करेंट एसेट हम लोग का कुछ आ रहा है? हाँ आएगा, क्योंकि शेयर जो है अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल किया, मिस्टर एक से पैसा लिया गया, तो हमारे पास ना थोड़ा सा कैश आ चुका है, तो उसके लिए हम लोग अपना करेंट एसेट का जो है पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे। करेंट एसेट में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिफ्थ नंबर नोट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर वन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो नोट नंबर वन हम लोग का किस चीज का है? शेयर कैपिटल। यहां से देख देख के भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया, शेयर कैपिटल लिखो, फिर उसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लोग का एक ही तरह का कैपिटल है, इक्विटी शेयर। कभी कभी दो तरीके का भी होता है, इक्विटी प्रेफरेंस, दोनों, तो दोनों का डिटेल्स लिखना पड़ता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड कितना है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, हमेशा लिखना पड़ता है। तुम लोग अगर मैक में देखोगे कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, लेकिन लिखना जरूरी होता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1,50,000, इक्विटी शेयर 50 और कुछ बढ़ा भी नहीं है, ठीक है। नया कोई शेयर वेयर इशू नहीं हुआ, इसीलिए जितना था उतना ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, अभी 20 करके है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20। अभी हम लोग इसको 50 नहीं लिख सकते, हमारे पास एट द रेट ऑफ 20 करके है ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का अमाउंट 30 लाख, ठीक है। ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल कहीं नहीं लिखा जाता है, वो बस हमें लिमिट बताता है कि कंपनी कितना शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब। पहले कंपनी इशू करती है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, फिर कंपनी कॉल करती है पैसे के लिए, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। सारी चीजों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग आराम से। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी है हम लोग का 1,50,000 ही है। देखो कैसे पता चलेगा, तुम लोग यहाँ पर एंट्री देखने से पता है। इस क्वेश्चन में था नहीं शेयर लेके ज्यादा कुछ भी। ये देखो कंपनी का 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख कैसे हुआ? यहाँ पर 1 लाख दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद ये 1,50,000 तो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर से 1,50,000 ही आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 1,50,000 टोटल बन रहा है 30 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग देखें कि हम लोग का टोटल कितना हो रहा है शेयर, तो ये हम लोग का कितना हो रहा है? टोटल 30 लाख हो रहा है, क्योंकि ये तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल जब हुआ, ये हम लोग का कौन सा वाला शेयर था पता है? तुम लोग अगर इसको 10 लाख और प्लस 30 लाख बोल के 40 लाख बोलोगे, वो गलत हो जाएगा। उसका रीजन सुनो, हम लोग का ये वाला जो 10 रुपीज है, ये तो वो 50 रुपीज वाला है, 50 में जो 40 कॉल्ड अप हुआ था, 10 बाकी था, वो वाला है, ठीक है। वैसे भी अगर तुम लोग सारी इक्विटी शेयर कैपिटल को आइडलाइज करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। कैसे? देखो अगर तुम लोग 30 प्लस 10 कर भी लेते हो कितना, 40, ठीक है, 40 लाख कर लिया, और यहां से अगर हम लोग 75 लाख माइनस कर देते हैं तो 35 लाख हो जाएगा। तो फिर 35 लाख नहीं, मैच तो होना चाहिए, देख लेते हैं एक सेकेंड। इक्विटी शेयर तो और कहीं पर कुछ नहीं होगा, नहीं और तो कहीं पर कुछ नहीं था। ये देखो एक्चुअली इसको ऐसे हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट, क्यों? क्योंकि ये वाला जो शेयर है ना, ये 50 वाला है, ठीक है, ये 50 में 10, ठीक है, ये 50 में 10, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम इसको डेबिट कर रहे हैं ना, हम पूरा पूरा 1,50,000 लेके डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, हम अलग से तो डेबिट नहीं कर रहे कि 50 को अलग से कर लेते हैं, और ये वाला जो है
हम लोग का पहले का जो टोटल शेयर कैपिटल है ना वो हम लोग का कितना था, देखो पहले का टोटल शेयर कैपिटल हम लोग का था 65 लाख, ठीक है 65 लाख था, उसमें ये 10 लाख एड ऑन होके तब जाके ये 75 लाख हुआ है। अब ये 75 लाख में 45 लाख हम लोगों ने इसका वैल्यू कम कर दिया, ये बन गया है 30 लाख। और सिंपल अगर हम लोग इसको चेक करें तो हमें ना सिर्फ यही वाला लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो डेबिट हो गया, डेबिट होके कैंसिल हो गया है। अब डेबिट अगर तुम लोग सोच रहे हो कि 10 लाख से कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो 30 लाख है, लेकिन ये 10 लाख क्या है, ये 10 लाख तो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल का कॉल्ड अमाउंट है। बाकी तो हम लोगों के बैलेंस शीट में पहले से 65 लाख था ही, और 10 मिला के 75 डेबिट करके कैंसिल हो गया, मतलब ये 65 तो क्रेडिट हो ही रखा था, 65 क्रेडिट हो रखा था, और भी हम लोगों ने क्रेडिट कर डाला 10 लाख, तो टोटल 75 लाख क्रेडिट और यहाँ पर 75 लाख डेबिट होके कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हमें लिखना ही है तो हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है अभी हम लोग के पास 1,50,000 शेयर्स है 20 रुपीज वाला, उसी का हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ हम लोग का, हाँ 20 कर ली है, ठीक ही लिखा था 20, तो ये हो जाएगा हम लोग का 30 लाख, ठीक है। तो हम लोग का इशूड शेयर, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। ये हम लोग को लिखना पड़ेगा नोट्स नंबर 1, 30 लाख। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट्स बनेगा, नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारा क्या कैलकुलेशन हुआ, लॉन्ग टर्म बोरिंग में पुराने जितने भी बोरिंग थे वो हट गए, सिर्फ और सिर्फ 14% फर्स्ट मॉर्गेज, फर्स्ट डिवेंचर आया, ठीक है फर्स्ट डिवेंचर ये इशू किया है कंपनी। अच्छा, ये कितने का हुआ चेक करते, ये तो एक्स और वाई को इशू किया गया, जहां जहां 14% क्रेडिट हुआ है, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है हम लोग का, ये रहा 7 लाख और यहाँ पर 3 लाख, टोटल 10 लाख, ठीक है 7 लाख प्लस 3 लाख टोटल 10 लाख यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, बाद में यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10 लाख, 10 लाख रुपीस का 14% डिवेंचर अभी कंपनी का एग्जिस्टिंग डिवेंचर का वैल्यू हो रहा है 10 लाख। अच्छा, इसके बाद करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 ट्रेड करेंट लाइबिलिटी लिखेंगे नीचे, ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ओपनिंग मतलब पहले से कितना दिख रहा था, ओपनिंग हम लोगों को यहां पर दिखेगा, ये देखो ट्रेड पेबल का ओपनिंग, इसका तो नोट नहीं बना हुआ था, 5 लाख यहां पर लेस कर देंगे कैंसिल ऑफ मिस्टर एक्स, कैंसिल ऑफ मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने अपना अपना ट्रेड पेबल कैंसिल करवा लिया है, और इनका ट्रेड पेबल कितना था यहां पर दिखेगा, ये देख 2 लाख और 1 लाख यहां पर लिख देते हैं, 2 लाख और यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लाख अभी भी ट्रेड पेबल बचेगा, ठीक है 2 लाख अभी भी ट्रेड पेबल बचेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को 2 लाख। अच्छा, टोटल करने से कितना आ जाएगा, 42 लाख, टोटल करने से बैलेंस शीट का आ जा रहा है 42 लाख लाइबिलिटी साइड, अब एसेट साइड भी इसका मतलब 42 लाख आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 प्रॉपर्टी प्लांट
and equipment. तो इनका पहले से कितना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था देख लेते हैं. बिल्डिंग 10 लाख का था, तो बिल्डिंग तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग हम 10 लाख का 10 लाख ही लिख देते हैं जैसा था वैसा. प्लांट 10 लाख था, प्लांट भी 10 लाख ही लिख देंगे. अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर का था 25 लाख, लेस कर देंगे राइट ऑफ 15 लाख. तो ओवरऑल कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा. एक काम करते हैं, ये 10 लाख और 10 लाख इधर हटा के लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा प्रेजेंटेशन. यहाँ पर लिखते हैं 10 लाख, यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 लाख. कंप्यूटर का एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिख दिया 10 लाख और टोटल हो जाएगा 30 लाख. ये बन गया पीपी का डिटेल्स, 30 लाख. यहाँ पर लिख देते हैं 30 लाख. अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 5. नोट नंबर 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एट बैंक यहाँ पर लिखते हैं. अच्छा, पहले तो बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखेंगे तो कैश बैंक मतलब बैंक बैलेंस हो या फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कुछ भी नहीं था. इन लोग का पूरा जीरो था, यहाँ पर दिखा दिया था, ये देखो नील. अब इन्होंने कुछ पैसा जो है जमा कर लिया है. कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने शेयर अनकॉल्ड कैपिटल कॉल करके 10 लाख मिला, तो लिखते हैं अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड, उससे 10 लाख. अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड तो 10 लाख उसमें मिल रहा है. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. बैंक 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 का एंट्री चेक करते हैं. बैंक ये रहा बैंक, मिस्टर एक्स ने 2 लाख पे किया बस, और कुछ भी बैंक का एंट्री नहीं था. ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स 2 लाख, तो टोटल हो जाएगा 12 लाख. टोटल 12 लाख जो है इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो रहा है. अब ये 12 लाख यहां पर लिखेंगे और टोटल चेक करेंगे कितना हो रहा है, मैच हो जा रहा है. 30 लाख प्लस 12 लाख हो गया 42 लाख. ठीक है, 42 लाख इस तरीके से होना चाहिए. ठीक है, तो ये देखो 10th नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग का रेडी हो गया. जब नेक्स्ट देखते हैं, 10th नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का. नेक्स्ट देखो 11th नंबर वाला, यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एज एट 31st March 2001. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल का नोट्स बना हुआ है, रिजर्व सरप्लस में वही पीएल का डीबीटी होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखना पड़ेगा क्या क्या है, ट्रेड पेबल उसका नोट नहीं बना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1 लाख, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसका कोई नोट नहीं बना हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में एक नोट बना हुआ है. देखते हैं आगे, करेंट एसेट में कुछ नोट नहीं दिख रहा है. अच्छा, शेयर कैपिटल दिख रहा है, सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है. इक्विटी शेयर 1,100 rupees वाला फुल्ली पेड अप है, क्योंकि देखो इनटू करने से 1 करोड़ आना चाहिए, 1 करोड़ ही आ रहा है. 50,000 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 ईच वाला, ये भी 100 करके पूरा ही फुल्ली पेड अप है. ठीक है, रिजर्व सरप्लस में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल जो कि 6 लाख है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिर्फ डिवेंचर है एक ही तरह का, 10% डिवेंचर 100 rupees वाला, 40,000 डिवेंचर इन्होंने इशू किया था, 40,000 इंटू 100 करने से 40 लाख ही आता है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है जिसका 9,50,000 लेकिन बुक वैल्यू दिख रहा है 10 लाख. अच्छा,
ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 40 ईच, बोल रहा है जितने भी इक्विटी शेयर है जो कि 100 रुपीज वाला है वो सारे इक्विटी शेयर को हमें 40 में लेके जाना है, यानी 60 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा। चलो पहला एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री हम लोग का हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट कितना हो जाएगा, जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर 100 रुपीज करके था, ये देखो ओल्ड शेयर 100 × 1 लाख था, 100 × 1 लाख यानी 100 लाख था, 100 और लाख, 100 × 1 लाख मतलब 100 लाख यानी कि 1 करोड़। इसको चेंज कर दिया गया है 40 में, ये 100 को 40 में चेंज कर दिया गया है, तो जो नया शेयर्स बन रहा है वो हो गया 40, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं हुआ है, तो टोटल कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 40 लाख। और रिड्यूस्ड हो गया, इसका मतलब वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हो, तो रिडक्शन ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 60 × 1 लाख, तो ये हो जाएगा 60 लाख। नैरेशन लिखेंगे बी इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज ट्रांसफर टू, इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज ट्रांसफर टू 40 रुपीज ईच, ठीक है ऐसे लिख देते हैं। बी बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू 60 ईच, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को 60 रुपीज में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कितना करके था, 60 में ट्रांसफर करना है। प्रेफरेंस शेयर 100 था वो भी 60 में ट्रांसफर करना है, मतलब ये वाला प्रेफरेंस शेयर और नहीं रहेगा 50 लाख, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12%, एक काम करते हैं यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं, एंट्री नंबर 1 तो हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगा, अब एंट्री नंबर 2 कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर हाँ, तो देखो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ये क्यूमुलेट नेचर का था, तो 12% क्यूमुलेटिव ये कितना करके था, 100 करके 50,000, 100 × 50,000 इतने सारे शेयर्स थे, मतलब 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर था। इसे चेंज कर देना है कितने में, बोला है कि डिविडेंड मतलब 12% वही रहेगा, बस 60 में ट्रांसफर कर दे, रिड्यूस टू 60 तक लेके जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 में ट्रांसफर कर देना है, कितने सारे शेयर्स को, सारे शेयर्स को यानी पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स को, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30 लाख।
और इससे बेनिफिट कितने का हो गया, 100 का चीज 60, यानी 40 लाइबिलिटी 100 से रिड्यूस होकर 60 तक पहुंच गया, यानी 40 का बेनिफिट हो गया, 40 × 50,000 यानी कि 20 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन ही लिख लेते, टाइम कम लगता है, रिकंस्ट्रक्शन लिखने में टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन ही लिख लेते। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है, बोला है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इंक्रीज टू 12%। देखते हैं पहले कितना था, डिवेंचर का इंटरेस्ट 10% था, ठीक है, अभी बोल रहा है कि इंटरेस्ट 12% कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ 70 ईच फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाई देम। अच्छा तो डिवेंचर होल्डर के लिए दो स्कीम, मतलब दो कंडीशन है, एक तो है ये 10% कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डिवेंचर होल्डर को अपना 100 रुपीज का डिवेंचर सरेंडर करना है सभी को, बदले में उनको क्या लेना है, सेम अमाउंट ऑफ शेयर्स मिल जाएगा लेकिन 70 करके मिलेगा, ठीक है, 100 की जगह 70, मतलब जिसने भी लोन दिया था 100 उसको मानना पड़ेगा, अभी वो 70 लोन दिया ऐसा ही मानना पड़ेगा, मतलब 100 का डिवेंचर 70 हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा 10% की जगह 12% हो जाएगा। तो जो ओल्ड वाला चला जाएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि डिवेंचर मेरा क्रेडिट आइटम है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 40 लाख, 40,000 × 100 करके था तो ये हो गया 40 लाख। टू 12% डिवेंचर, सेम डिवेंचर को 12% में ट्रांसफर कर लेना है और सेम नंबर ऑफ डिवेंचर ही रहेगा लेकिन 100 के जगह 70 हो जाएगा तो यहां पर हो गया 28 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपीज का, वो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन 40,000 × 30 12 being 12% debentures issued, नहीं हाँ 12% डिवेंचर इशू हो रहा है, किसको इशू कर रहे हैं, 10% डिवेंचर होल्डर वालों को, 12% डिवेंचर इशू टू 10% डिवेंचर होल्डर्स, DH लिख दिया मैंने, डिवेंचर होल्डर्स फॉर रुपीज 70 ईच, फॉर रुपीज 70 ईच करके, ठीक है, 12% डिवेंचर इशू किया गया 10% वाले डिवेंचर होल्डर को फॉर रुपीज 70 ईच। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला है स्कीम में, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई एक क्रेडिटर है टू हुम द कंपनी ओज 20 लाख, जिससे कंपनी ने 20 लाख का उधारी लिया था, डिसाइड टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम, बोल रहा है कि मुझे 40% नहीं दो चलेगा, मतलब 8 लाख नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, बाकी पैसे का क्या करना है, बाकी 60% का, he is allotted 30,000 equity share of 40 each in full satisfaction of his claim, तो बाकी इनका क्लेम कितना बच रहा है, बाकी इनका क्लेम बच रहा है 12 लाख, इसके अगेंस्ट में कंपनी ने 30,000 equity share दे दिया है 40 each करके, तो 30 × 40 ये 12 लाख ही होगा, मतलब इनका क्लेम फुल्ली सेटल हो जाएगा, इनका जो भी क्लेम था इन्होंने कुछ तो वेव कर दिया जो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा और बाकी अमाउंट के लिए इन्होंने इक्विटी शेयर ले लिया जो कि बचे हुए अमाउंट के साथ बिल्कुल बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, जो ट्रेड पेबल है उसमें से ये अमाउंट कम हो जाएगा, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, ट्रेड पेबल 20 लाख, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, उसमें से इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर दिया जा रहा है 30,000 × 40, मतलब 12 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन,
कितना नहीं देना पड़ेगा, वही कैपिटल रिडक्शन में जा रहेगा। 20 लाख का बोला था 40% नहीं देना पड़ेगा, तो 40% कितना हो जाता है 8 लाख। और ये देखो पूरा क्लेम सेटल डाउन हो गया, 12 और 8 20 ही होता है। तो बी क्रेडिटर ऑफ रुपीज 20 लाख इज सेटल्ड। 20 लाख का क्लेम हम लोगों ने, क्रेडिटर को हम लोगों ने सेटल कर दिया। अगर तुम लोग इससे ज्यादा नेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बाय सरेंडरिंग 40% एंड एक्सेप्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 ईच फॉर द बैलेंस अमाउंट, ऐसा चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मैंने जस्ट अभी एक लाइन में ही लिखने का कोशिश किया कि ये भी चलेगा, अगर टाइम कम होता है एग्जाम में तो ऐसे लिख लो भी चलेगा, ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने का जरूरत भी नहीं। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिटन डाउन बाय 30%। अब बोल रहा है पीपी को 30% कम करना है, करंट एसेट को रिवैल्यू करना है, टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल डाउन करना है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाना है, इट डिसाइड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। ठीक है, अच्छा चलो एक एक पॉइंट करते हैं। सबसे पहले प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 30% डाउन करना है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो लेकिन ना एक चीज है, हम लोग ये राइट डाउन कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए तो हमें ये पता करना पड़ेगा हमारे कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट आया, तब हम लोग पता करेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 30% राइट डाउन हो पा रहा है कि नहीं, करंट एसेट का रिवैल्यूएशन हो पा रहा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाने से क्या होगा, पीएल को राइट ऑफ करने से क्या होगा, ये सब हमें तभी पता चलेगा। लेकिन ये जो पॉइंट दिया है ना, इसको पहले डील कर लेना चाहिए। अगर हम लोग टैक्सेशन लाइबिलिटी को सेटल डाउन कर रहे हैं तो इसमें हमारा कैपिटल रिडक्शन का पॉइंट आ जाएगा। देखते हैं कितना था टैक्सेशन का लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में था 1 लाख का था, 1 लाख की जगह 1,50,000 पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोविजन है, हम लोगों ने सोचा था 1 लाख रुपीस का टैक्सेशन का लाइबिलिटी आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आ गया तो हमारे लिए लॉस है। तो देखो कैसे करके हम लोग सेटल डाउन करके दिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो प्रोविजन बनाए था उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन में जो पैसा हम लोगों ने रखा था, प्रोविजन करके जो अमाउंट हम लोगों ने रखा था, टैक्स का लाइबिलिटी जब सेटल डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली वो अमाउंट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम लोगों का प्रोविजन जो है वो कम हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी है हम लोग का 1,50,000। ये देखो 1,50,000 में सेटल डाउन करना पड़ा, तो उसके 1,50,000 पे करने के लिए क्या हमारे पास करेंट एसेट में कैश है? देखते हैं करेंट एसेट में क्या लिखा हुआ, करेंट एसेट हाथ दिख रहा है 1 करोड़ है, तो करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो होता है, बाकी सारे बाकी डेटर भी होते हैं। देखो करंट एसेट में क्या क्या आता है, जैसे नॉन करंट में ये सब आता है ना, करंट एसेट में हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल आता है, उसके बाद हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, इन्वेंटरीज आता है, तो ये किस चीज का दिया हुआ है? देखो जब कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम लोग ये मान ही सकते हैं कि ये कैश का ही है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ हो या ना हो, ठीक है, डेटर हो ना हो, उसका तो कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि क्या है नहीं है, तो क्योंकि पेमेंट कर रहा है तो मान सकते हैं कि इसमें ये कैश अमाउंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टू करेंट एसेट बोल, ठीक है, टू करेंट एसेट, करेंट एसेट में अगर बैंक है या कैश है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1,50,000, तो हम लोग का लॉस हो गया, हम लोगों ने 1 लाख प्रोविजन किया था जबकि पेमेंट करना पड़ा 1,50,000, तो 50,000 का जो लॉस हुआ उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लॉस होने से नॉर्मली पीएल में दिखाते बट यहाँ पर तो सारी चीज कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, ये एजम्पशन के साथ कि ये करेंट एसेट में जरूर बैंक का अमाउंट भी होगा जिससे हम लोग 1,50,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन सेटेड। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट है उसका यूज करेंगे हम लोग अपना जो भी राइट ऑफ करने बोला है वो सब के लिए। तो कैपिटल रिडक्शन में ये देखो क्रेडिट में 60 लाख, यहाँ पर चाहो तो तुम लोग अकाउंट भी बना सकते हो, क्रेडिट में 60 लाख, उसके बाद यहाँ पर 20 लाख अगेन क्रेडिट, फिर से 12 लाख क्रेडिट, 8 लाख क्रेडिट,
और 50,000 डेबिट, तो टोटल देख लेते हैं 60 और 20 80 80 और यहाँ पर 20 80 और 20 1 करोड़ से 50 लाख अगर 50,000 माइनस करना है तो देखते कितना बचता है. 1 करोड़ मतलब ये 1 करोड़ हो जाए, नहीं और एक जीरो होना चाहिए, 1 करोड़ माइनस 50,000 तो हम लोग के पास 99,50,000 बच रहा है. 99,50,000 का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग के पास क्रेडिट में कितना आ गया ये सब एडजस्ट करने के बाद 99,50,000 क्रेडिट अमाउंट आ गया. अब इसको यूटिलाइज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा. ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, बोला है कि पीपी को राइट ऑफ करने के लिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या बोला है. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 30% कम करने के लिए, तो कम करने से क्रेडिट हो जाएगा, एसेट है टू पीपीई 30% तक कम करना है. ठीक है, तो पीपी कहां पर है, पीपीई यहां दिख रहा है. ठीक है, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख इसमें 30%, 1 करोड़ 25 लाख. से कम करना है, आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास 99,50,000 है, तो जितना अमाउंट कम करना है वो आराम से कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कर दिया. अच्छा, इसके बाद पीपी के बाद देखते हैं और क्या कम करने बोला था. करेंट एसेट को 45 लाख में दिखाने बोला है. ठीक है, तो करेंट एसेट कितने का था, करेंट एसेट था 1 करोड़, उसको हमें दिखाना है 45 लाख में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू करेंट एसेट 1 करोड़ माइनस 45 लाख, तो इसको कितने में दिखाना पड़ेगा फिर 55 लाख. रिवैल्यूएशन कर दिया, बोल रहा है कि 1 करोड़ यानी 70 माइनस 45 लाख, 55 लाख में दिखाना पड़ेगा. ठीक है, करेंट एसेट को हमें इतने में दिखाने के लिए बोला गया है, तो हम लोगों ने दिखा दिया. क्या ये पॉसिबल था दिखाना, देख लेते हैं. 55 लाख प्लस 37 लाख 50,000 तो टोटल हो रहा है 92,50,000. हाँ, हमारे पास तो 99,50,000 था, उसमें से 92,50,000 अभी यूज हो चुका है. अभी बचा है कितना, 7 लाख अभी भी बचा हुआ है. देखते हैं और क्या राइट ऑफ करने बोला है. इन्वेस्टमेंट जो है उसका कुछ बुक वैल्यू बोला था. ये देखो, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाना है, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू है 9,50,000, इसका बुक वैल्यू है 10 लाख, मतलब इन्वेस्टमेंट को कम कर देना है. 10 लाख तो दिख ही रहा है, उसे 9,50,000 तक लाना है, मतलब उसे 50,000 से कम करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 50,000. अच्छा, इसमें से हम लोगों ने और भी 50,000 का यूटिलाइजेशन कर लिया. ठीक है, तो अब बच कितना रहा है, 6,50,000, और पीएल भी राइट ऑफ करना था. देखते हैं पीएल में कितना है, 6 लाख, आराम से कर सकते हैं, हमारे पास 6,50,000 है टू पीएल 6 लाख. ठीक है, और इससे हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया 6 लाख, तो बच कितना रहा है 50,000. इसको क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टू कैपिटल रिजर्व, बचा हुआ अमाउंट 50,000 जो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये बैलेंस करके आ रहा है. ठीक है, तो जितना भी हम लोग का कैपिटल रिडक्शन करके 99,50,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, उससे हम लोगों ने पीपी को उतना राइट ऑफ कर दिया जितना क्वेश्चन बोला था, करेंट एसेट को कम करके दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट को भी कम करके दिखा दिया, पीएल को भी राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास 50,000 बच गया जो हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में दिखा दिया. अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, बींग नरेशन लिख देंगे, बींग amount of capital reduction is utilized
in write off PL debit balance, comma PPE, comma current asset, comma investment, and balance transferred to capital reserve. बाकी बैलेंस हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बस हो गया. इसमें तो और कुछ नहीं करने बोला था. ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है. जर्नल एंट्री, हाँ बैलेंस शीट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट करते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया. तो चलो बैलेंस शीट बना के देखते हैं. बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड, and reduced as on 31st of March 2001. Particulars. नोट नंबर, अमाउंट. नोट नंबर और ये हो गया हम लोग का अमाउंट. थोड़ा सा इधर हटा के लिख करती हूँ. अच्छा, अब हम लोग बैलेंस शीट देख देख के ही लिख लेंगे जो भी इसमें था. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 0.1, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड. इसमें पॉइंट ए शेयर कैपिटल, पॉइंट बी रिजर्व एंड सरप्लस. ये लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जेनरेट हुआ ना, तो ये लिखना पड़ेगा. ये देख, अभी अभी हम लोगों ने जो एंट्री कंप्लीट किया, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व जेनरेट हुआ था, तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आने वाला है. तो ये हो जाएगा नोट नंबर वन, नोट नंबर टू. अच्छा, और क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म बोरिंग. लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था? लोन था शायद. हाँ, ये है, बस इसका 100 के जगह 70 चेंज हो गया है, तो ये भी रहेगा. नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग. नोट नंबर थ्री. अच्छा, इसके बाद करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो जो था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया. एक मिनट देख लेते हैं, ट्रेड पेएबल में था क्या? ट्रेड पेएबल में था ये वाला. हाँ, ट्रेड पेएबल में ट्रेड पेबल में देख लेते. ट्रेड पेबल तो नोट्स नहीं बना हुआ था, 50 लाख. ट्रेड पेबल का कोई एंट्री हुआ था क्या? वो चेक करते हैं तो पता चल जाए. ट्रेड पेबल का कोई एंट्री नहीं, इधर तो नहीं सेटल डाउन. यहाँ पर
ट्रेड पेबल, हाँ 20 लाख का सेटल डाउन हुआ था, कितने का 50 लाख। अच्छा तो ट्रेड पेबल थोड़ा बहुत तो रह जाएगा, तो ट्रेड पेबल का भी हमें जो है जगह रखना पड़ेगा, मतलब ट्रेड पेबल भी हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है तो ट्रेड पेबल लिखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नोट नंबर 4। ठीक है ट्रेड पेबल नोट नंबर 4 में आ जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस था, बल्कि वो नहीं रह रहा है। ये देखो ये फोर्थ नंबर पॉइंट में टैक्सेशन का लाइबिलिटी था, ये हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया, तो इसको बनाने का और जरूरत नहीं है, ये हमारा जीरो हो गया है। तो फिर इसके बाद एसेट बना सकते हैं, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एसेट्स। एसेट्स में पहला आ जाएगा नॉन करेंट एसेट। अच्छा इसमें आ जाता है नॉन करेंट एसेट में पीपी आता है, देखते इसमें क्या था। नॉन करेंट एसेट में पीपी था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें चेंज किया था हम लोगों ने, लेकिन पूरा तो नहीं हटा, 30% हटा था, तो 70% तो दिखेगा ही। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये बन जाएगा नोट नंबर 5। अच्छा फिर बी नंबर में देखते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था ये भी रहेगा, इसका सिर्फ वैल्यू जो है बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू दिखेगा। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 6th नंबर। अच्छा इन्वेस्टमेंट के बाद, अच्छा हेडिंग होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे लिखने से नहीं, इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 नॉन, अच्छा नहीं इसी के अंदर हेडिंग होना चाहिए। ठीक है ये इसी का पार्ट होता है एक्चुअली, ये देखो यहां पर नॉन करेंट एसेट के अंदर ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, ये 6th नंबर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद करेंट एसेट पॉइंट नंबर 2 करेंट एसेट। अच्छा करेंट एसेट को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, तो हम लोग उसका यहाँ पर नोट्स बनाएंगे 7th नंबर और यहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक है चलो एक एक करके नोट बना लेते हैं। सबसे पहले बनेगा शेयर कैपिटल का, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1 पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट सबसे पहले लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल दो तरीके का है, ठीक है इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसमें लिखेंगे इक्विटी का कितना प्रेफरेंस का कितना, तो वही 1 लाख करके ही होगा। ठीक है इक्विटी कितना है, 1 लाख था और नया कुछ इशू हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा, देखते हैं इक्विटी का क्या कंडीशन हुआ था, यहाँ एंट्री देखने से ही पता चल जाएगा। इक्विटी 1 लाख था, 1 लाख ही है और कुछ नया इशू हुआ कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हाँ एक 30,000 का इक्विटी शेयर इशू हुआ था, तो 1,30,000 हो गया बस और कुछ नहीं था। ठीक है 1,30,000, इसका मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखते हैं 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, अभी इक्विटी शेयर कितना करके हो गया है, इक्विटी शेयर हो गया है यहाँ पर
40 करके देखते हैं, ये जो इशू हुआ ये भी 40 का ही था, ठीक है, तो इक्विटी शेयर ऑफ 40 ईच, तो यहां पर हो जाएगा 52 लाख। और प्रेफरेंस शेयर का भी लिख लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर का पहले से कितना था 50,000, 50,000 ही रखा गया था, लेकिन उसमें चेंजेस क्या हुआ था, सिर्फ उसका वैल्यूज को चेंज कर दिया गया था, 50,000 ही है, बस 100 से 60 हो गया बस, और 50,000 प्रेफरेंस शेयर का, सॉरी प्रेफरेंस शेयर का और आगे कुछ भी नहीं था, यानी इनका जो ऑथराइज्ड है वो हम लोग का सेम वही उतना ही हो जाएगा, 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 60 ईच 30 लाख। तो ये ऑथराइज दिखा दिया हम लोगों ने, अब हम लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड बन गया यहां पर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसके बाद इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये मैंने पूरा हेडिंग कर लिया, अब इसी के अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1,30,000 इक्विटी शेयर, इतना ही हम लोग का जितना ऑथराइज था उतना पूरा इशू हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा है कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, तो मिनिमम जितना इशू है उतने को ही हम लोग ऑथराइज बोल के दिखा सकते हैं, तो इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 ईच 52 लाख और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 60 ईच 30 लाख, तो टोटल हो जाएगा 82 लाख, ठीक है, ये 82 लाख हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है और वो रिजर्व तो राइट ऑफ हो जाता है, तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व कितने का हुआ था, आई थिंक 50,000, ये देखो कहाँ चला गया, ये रहा 50,000, ये आउटर कॉलम में लिखते इसमें तो एडजस्टमेंट है नहीं, तो 50,000, ठीक है, तो ये लिख देते हैं रिजर्व सरप्लस में, यहाँ पर 50,000 जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या हुआ था, हम लोग का जो डिवेंचर था वो 40,000 10% के जगह 40,000 12% हो गया है, 40,000 कॉमा 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ, एक एक डिवेंचर 70 का हो गया है, एट द रेट ऑफ 70 ईच, ठीक है, ये कैसे पता चला, इसका तो हम लोगों ने एंट्री कर रखा है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, और एंट्री देखने से भी पता चलेगा, यहाँ पर एंट्री देखो डिवेंचर जो है 40,000 था वो कैंसिल हो गया, 100 वाला 40,000 70 वाला आ गया, तो यहाँ पर 28 लाख हो जाएगा, ठीक है 28 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड पेबल नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल का क्या कैलकुलेशन था, ट्रेड पेबल था कितना,
पहले से ट्रेड पेबल था 50 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 लाख ओपनिंग, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड पेबल ओपनिंग। यहां से लेस कर देंगे जो पेमेंट हो गया, कैसे पता चलेगा, एंट्री देखने से पता चल जाएगा। 20 लाख का ट्रेड पेबल एडजस्ट हुआ था, 40% फॉरगो कर दिया था और बाकी के लिए इक्विटी शेयर लिया था, उसी स्कीम के लिए वो एंट्री हुआ है। बाकी यहाँ भी देख सकते हैं 20 लाख का जो है वो सेटल डाउन हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस सेटल्ड 20 लाख, तो बच रहा है 30 लाख। तो ट्रेड पेबल में हम लोग लिखेंगे 30 लाख। अब ऐड करने से पता चलेगा कि टोटल कितना हो रहा है, तो 82 लाख 28 लाख प्लस 30 लाख, वन फोर्टी प्लस ये कुछ 50 आ रहा है, मतलब 1 करोड़ 40 लाख ही आ रहा है प्लस 50,000, ये वाला 50,000, 1 करोड़ 40 लाख 50,000, मतलब 40 और यहाँ पर 50,000 ऐसे होगा। तुम लोग चाहो तो पूरा ऐड करके देख लो, 1 करोड़ 40 लाख 50,000 ऐसा डिजिट्स आ रहा है, मतलब ऐसा टोटल में आ रहा है। अब हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का चेक करते हैं, मतलब नोट्स नंबर 5, 6 और 7, ठीक है, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखते हैं पहले कितना था। हमें 30% डाउन करने बोला था, तो टोटल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, यहां दिख रहा है 1 करोड़ 25 लाख, तो यहां पर लिखते हैं पीपीई 1 करोड़ 20 ओपनिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 1 करोड़ 25 लाख, लेस कर देते हैं राइट ऑफ 30% बोला था, तो 30% मतलब कितना होता है, यहाँ पर एंट्री देखने से ही पता चलेगा, हम लोग एक बार तो कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रहा 37 लाख 50,000, 37 लाख 50,000, देखते हैं कितना आता है। 1 करोड़ 25 लाख माइनस 37,50, 87 लाख 50,000, 87 लाख 50,000 लिख लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 87 लाख 50,000। अच्छा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 5th नंबर देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, इनका इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, ठीक है, जस्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर लिखेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोला है 10 लाख, लेस करना पड़ेगा राइट ऑफ वैल्यू क्योंकि शो मार्केट वैल्यू में शो करने के लिए बोला था, तो 9 लाख 50 में ये दिखना चाहिए, 9 लाख 50 पे ये दिखना चाहिए, और इसके लिए कितना राइट ऑफ करना पड़ा होगा, ये देखो 50,000 का, 50,000 से राइट ऑफ करना पड़ा है, 50,000 राइट ऑफ करने पे 9 लाख 50 आ रहा है, इतने में हमें दिखाना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को 9 लाख 50। नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड
और करेंट एसेट। नोट नंबर सेवन। करेंट एसेट। अच्छा, करेंट एसेट में क्या था देखते हैं। तो करेंट एसेट डायरेक्ट बता दिया था 1 करोड़, तो करंट एसेट के अंदर करंट एसेट ही था, नाम कुछ नहीं बताया था। 1 करोड़। अच्छा, फिर इसमें भी हमें राइट ऑफ करने बोला है और इसे दिखाने बोला गया है 45 लाख में। अगर हम लोग देखेंगे इसे, यहाँ पर लिखा हुआ है करेंट एसेट को हमें कितने में दिखाना है, 45 लाख में रिवैल्यूट करके दिखाना है। तो 45 लाख अगर हम लोग यहाँ पर शो करना चाहें तो हम लोग को कितने से कम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग 45 लाख में दिखाना चाहते हैं तो कितना कम करना पड़ेगा, उसके लिए एंट्री किया तो वहां से देख के लिख सकते 55 लाख। 55 लाख, ठीक है। तो ये कितना दिखेगा, 45 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट है, करंट एसेट ना हम लोगों ने एक बार यूज भी किया है और एक बार भी कम होगा, राइट ऑफ तो करना ही है। 55 लाख प्लस जब हम लोगों ने अपना प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन किया था तो हम लोगों ने करंट एसेट से 1,50,000 पे किया था, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर दिखा देते, यहाँ ये दिखाने से नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे यूटिलाइज्ड इन पेड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सॉरी टैक्सेशन लाइबिलिटी, पेड फॉर टैक्सेशन लाइबिलिटी, टैक्सेशन लाइबिलिटी 1,50,000 का यूटिलाइजेशन करना पड़ा था। तो 55 है, 65,50,000, 1 करोड़, 1 करोड़ माइनस 55 लाख माइनस 1,50,000, 43,50,000 आएगा। फिर 43,50,000 उसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत दिखेगा। 43,50,000 यहाँ पर लिखते हैं, 43,50,000। अब देखते हैं कितना आता है, 43,50,000 प्लस 9,50,000 प्लस 87,50,000, 1,40,50,000। हाँ, आंसर तो मैच हो रहा है, 1,40,50,000, दोनों साइड भी हमारा मैच हो रहा है, 1,40,50,000 ये हो रहा है, ठीक है। चलो, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है शायद, देखते हैं। द इक्विटी शेयर आर रिड्यूस्ड, प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड, अब डिवेंचर होल्डर टुक ओवर इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इसका हम लोग आई थिंक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, और टाइम बचेगा तो बैलेंस शीट कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है। तो हम लोग देखो, एंट्री अगर हो जाएगा तो कर लेंगे, अभी जितना टाइम है। क्वेश्चन नंबर 12। इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री करने बोलेगा, देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ नाम क्या है, यहां से देख देख के लिख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अच्छा,
क्वेश्चन में वही शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इंटेंजिबल एसेट है इन्वेंट्रीज है ट्रेड रिसीवेबल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों ही फुल्ली पेड अप है 100-100 करके रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव लॉस है 10% डिवेंचर है लॉन्ग टर्म बोरिंग में पीपीई में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है इंटेंजिबल में गुडविल है सबसे पहले बोला इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है 40 फुल्ली पेड एंड द प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू फुल्ली पेड शेयर ऑफ 75 तो इक्विटी को 40 और प्रेफरेंस शेयर को 75 में डाउन करना है ठीक है तो पहला एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये हम लोग का था कितना 100 इसे करना पड़ेगा कितने का 40 का शायद 40 करने के लिए बोला था चेक कर लेते हैं 75 शायद प्रेफरेंस का बोला था हाँ 40 में ट्रांसफर करना है तो 60 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा तो टू कैपिटल रिडक्शन 60 ठीक है इनटू 24,000 तो यहां पर हो जाएगा 24,000 नंबर में तो कोई चेंजेस है नहीं तो ये हो जाएगा 9,60,000 24,000 ये कितना हो जाएगा 60 24 × 6 ये हो जाएगा हम लोग का 144 मतलब 14,40,000 हो रहा है ठीक है अच्छा इसका और हम नैरेशन नहीं लिख रहे नैरेशन तो तुम लोग को पता ही है अगर नैरेशन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे हम लोग नैरेशन लिखने में बेकार टाइम जाएगा तुम लोग को नैरेशन तो पता चल ही गया होगा क्या क्या लिखना होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को हमें 75 तक लेके जाना है जो प्रेफरेंस था हम लोग का 100 का तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज वाला था ठीक है 100 रुपीज करके कितना सारा था 12,000 तो ये हो जाएगा 12,00,000 इसको हमें रिड्यूस करके देना है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 75 × 12,000 तो 75 × 12 कितना हो जाएगा 75 × 12,000 तो ये हो जाएगा 9,00,000 ठीक है टू कैपिटल रिडक्शन 25 × 12 तो ये माइनस करने से भी तो पता चल जाएगा 4,00,000 आ रहा है 3,00,000 आ रहा है 3,00,000 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से 3,00,000 आ जाएगा और माइनस करने से भी ये दोनों का 3,00,000 आ रहा है अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्कीम में क्या लिखा हुआ था नेक्स्ट हमें बोला है डिबेंचर होल्डर इन्वेंट्रीज ले लेगा टुक ओवर इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम डिबेंचर होल्डर को जो भी मिलना है उसके बदले वो लोग इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक और जो है क्या ले लेंगे एक और क्या बताया कि ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे ठीक है तो चलो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 6,00,000 को हमें कैंसिल करना है तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरा 6,00,000 हम लोग कैंसिल कर लेंगे बदले में क्या मिल रहा है इनको स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज जब आया था तो डेबिट हुआ था क्योंकि एसेट था जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल तो इन्वेंट्रीज है 2,60,000 ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000 तो यहाँ पर लिख लिया 2,60,000 यहाँ पर लिख लिया ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000 तो टोटल दोनों मिला के हो जा रहा है 2,60,000 प्लस 2,80,000 2.6 प्लस 2.8 ये हो जा रहा है 5,40,000 तो 60,000 कम हो रहा है तो इसका मतलब 60,000 और नहीं देना पड़ेगा क्योंकि फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम बोला था यानी ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन ठीक है ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला था लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बढ़ाना है 30% से प्लांट एंड मशीनरी को 30% से कम कर देना है ठीक है तो फोर्थ नंबर पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा देना है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बढ़ाएंगे तो कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट होगा टू कैपिटल रिडक्शन अच्छा देखते हैं कितना हो रहा है 30% से बढ़ाना है 12,00,000 का 30%
3,60,000. बींग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, ऐसे करके लिख दोगे तो हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमें बोला था प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है 30% से, तो 18 लाख का 30%, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना कम करने बोला था 30%, तो 18 लाख का 30%, 18 लाख का 30%. नहीं, ये 30 नहीं, ये शायद कुछ और वैल्यू था. हाँ, दोनों ही 30% बोला था. ठीक है, तो 18 × 30% मतलब 5.4, यानी कि 5,40,000 से कम करने बोला है. अच्छा, और कुछ कम करने बोला है, तो सारी चीजों को लिख के कैपिटल रिडक्शन का वैल्यू लिखेंगे. यहाँ पर बोला है पीएल का डेबिट बैलेंस और इंटेंजिबल एसेट को एलिमिनेट कर देना है, तो लिखेंगे 2 PL और 2 intangible एसेट में जो भी है. तो देखते हैं पीएल का डेबिट बैलेंस में कितना है. गुडविल है 90,000, इंटेंजिबल में गुडविल है 90,000, ये एलिमिनेट करने बोला है. और पीएल में कितना है, पीएल में है 14,40,000, 14,40,000. ठीक है. अच्छा, क्या हम लोग के पास इतना कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट है, देख लेंगे एक बार, तो मैंने लिख दिया है, चेक कर लेते हैं है कि नहीं. और एक्सपेंस बोला है रिकंस्ट्रक्शन का 5,000 है, मतलब ये पूरा काम करवाने का खर्चा हुआ 5,000, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए. अभी तक हम लोगों ने ऐसा एंट्री नहीं किया है, लेकिन इसमें ऐसे होगा कैपिटल रिडक्शन. जैसे हम लोग एक्सपेंस को पीएल में दिखाते हैं, वैसे यहाँ पर दिखाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिखेंगे कैश या बैंक. ठीक है, टू कैश या बैंक, तो देखते हैं कैश होना चाहिए कि बैंक. इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिख रहा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, तो यहाँ पर टू कैश लिख देते हैं 5,000. चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सब डेबिट हो रहा है कैपिटल रिडक्शन. अब देखेंगे हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है. ये एंट्री पहले होने से ज्यादा बेटर होगा, चलो ये पहले करने से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें फिर रिडक्शन में कितना है ओवरऑल पता चल जाएगा. ठीक है, बाद में करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे तब फंस जाएंगे हम लोग. ठीक है, यहाँ पर हम लोग का गलत हो सकता है. ये फोर्थ नंबर, और हम यहाँ पर कर लेते हैं फिफ्थ नंबर, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. इसमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि रिडक्शन में कितना अमाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है. तो ये देखो, यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये है 144, 14,40,000 क्रेडिट, 3 लाख क्रेडिट. अच्छा, फिर 60,000 क्रेडिट. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 3,60,000 क्रेडिट. ठीक है, ये 5,000 डेबिट. अगर हम लोग ये नहीं करेंगे ना, फिर हमारे आगे जाके कैलकुलेशन गलत हो सकता था, मतलब इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कितना है. तो यहाँ पर लिखते हैं 14,40,000, 14,40,000 प्लस 6 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 और 7,20,000 माइनस 5,000. ठीक है, तो हम लोग के पास 21,55,000 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21,55,000, यहाँ पर लिख लेते हैं. ये यूटिलाइज करना है हमें, कितना यूटिलाइज करेंगे, 5,40,000. ठीक है, फिर 14,40,000 और 90,000, ये सबके बाद 85,000 बच जा रहा है, तो 85,000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा. ये एंट्री हमेशा लास्ट में होना चाहिए, जिससे हम लोग कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट जो यूज करते हैं ना, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट यूज करके जब हम लोग ये सारे चीजों को दिखाते हैं कि कितना कितना राइट ऑफ हो रहा है, तो ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए. और कुछ भी हमारा पेमेंट हो गया, जैसे कि टैक्सेशन लाइबिलिटी था अभी यहाँ पर एक्सपेंस, तो ये सब चीजों को ना हमें इस तरीके से दिखाना चाहिए. लास्ट में नहीं दिखाने से क्या होगा, यहाँ रिजर्व का कैलकुलेशन हमारा गलत हो सकता है. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर प्रिपेयर करने बोला होगा बैलेंस शीट, तो यहाँ पर लिख देते हैं
balance sheet of X Limited and reduced as on 31st of March 2001. Note number amount particulars. Equity and liability. थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 0.1 शेयर होल्डर्स फंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया. उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है. फिर बी पॉइंट में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2. अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं. नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग हट गया है क्योंकि हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म बोरिंग था उसको मतलब लोन, देखो डिबेंचर को पूरा सेटल डाउन कर लिया था. ये देखो डिबेंचर का पूरा सेटल डाउन कर लिया था, ये हट जाएगा. ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटीज में हम लोग का ट्रेड पेबल आएगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों ही एज इट इज आ जाएगा. तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2, करेंट लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में ए में आ जाएगा ट्रेड पेबल, बी में आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग. अच्छा, ट्रेड पेबल में हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट था, चेक करते हैं. नहीं, ट्रेड पेबल में ना हम लोग का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो ट्रेड पेबल जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख देंगे 3 लाख, और शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 6 लाख. तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 लाख और यहाँ पर लिख दिया 6 लाख, ठीक है. इन्होंने यहाँ पर बीओडी लिख रखा है तो मैंने भी लिख दिया, बाकी इसका नोट बना लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे किया है तो मैंने भी कर दिया. और नेक्स्ट लिखते हैं एसेट, मतलब तुम लोग इसका नोट बना लेना, शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के, ठीक है. अभी टाइम भी कम है तो मैंने भी इसी को फॉलो कर लिया, ठीक है. नॉन करेंट एसेट में हम लोग का आ जाएगा पीपीई, इंटेंजिबल एसेट तो नहीं बच रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीपीई आ जाएगा, ठीक है. और पॉइंट नंबर 2 में करेंगे करेंट एसेट. करेंट एसेट में हम लोग का क्या क्या है देखते हैं. इन्वेंट्रीज, ये तो टूक ओवर हो गया है, ये जो है डिवेंचर होल्डर लेके चले गए. ट्रेड रिसीवेबल भी डिवेंचर होल्डर को देके सेटल डाउन कर दिया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखना पड़ेगा क्या कितना आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर हम लोग का नोट नंबर 1, 2, यहाँ पर पीपी के लिए 3 और 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 लिखने से यहाँ पर हो जाएगा. तो सबसे पहला नोट टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है. ऑथराइज्ड में क्या आ जाएगा, ऑथराइज्ड में इक्विटी शेयर आ जाएगा. इक्विटी शेयर जैसा था वैसा ही है, बस उसमें चेंजेस क्या हुआ है, 100 के जगह 60 हो गया है, ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे 24,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 40 ईच, एट द रेट ऑफ 40 ईच. और प्रेफरेंस शेयर 12,000 था, 12,000 ही है, कहीं पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, 10% ही है, 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 75 ईच, ठीक है. तो यहाँ पर ऑथराइज्ड के केस में वैल्यू आ जाएगा ये वाला 9,60,000 और ये वाला हो जा रहा है 9 लाख, ठीक है. हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है ये वाला, ये देखो 9,60,000 और 9 लाख, ये देखो 9,60,000 और 9 लाख, और यही हम लोग का इशूड सब्सक्राइब पेड अप हो जाएगा. तो यहाँ पर लिख लेते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप. इसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 एट द रेट ऑफ 40 ईच, सेम ही वैल्यू है 9,60,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of 12,000 equity share, 12,000 preference share at the rate of 75 each, 9 lakh, और total करने से आ जाएगा 18,60,000, ठीक है. ये हमें लिख लेना है, वहां पर लिख लेंगे. नोट नंबर 2 में लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस,
नोट नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम लोग का आया था 85,000, ठीक है, ये देखो 85,000 आया था, ठीक है, ये दोनों लिख लेते हैं 18,60,000 और 85,000 इधर, तो टोटल भी हो जाएगा 18,60,000 और 85,000 प्लस 18,60,000 प्लस 9,00,000 28,45,000, हाँ मैच हो रहा है 28,00,000 आंसर के साथ मैच हो रहा है, बस अब इधर करने से ही हो जाए 28,40,000 PPE नोट नंबर थ्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर थ्री PPE। अच्छा PPE में क्या क्या है इनके पास, PPE में है लैंड बिल्डिंग जैसा था उसमें चेंजेस हुआ है, लैंड बिल्डिंग यहाँ पर एप्रिशिएशन हुआ है 12,00,000 प्लस एप्रिशिएशन 3,60,000 हुआ था 30%, तो ये बन गया 15,60,000। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें डेप्रिशिएशन हुआ था 18,00,000 30% का, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 30%, एप्रिशिएशन भी एट द रेट ऑफ 30% था, ये हो गया 5,40,000 माइनस, तो ये बन रहा है 12,60,000। दोनों का टोटल करने से 12 और 10,00,000 28,20,000 आ रहा है ओवरऑल बैलेंस करने से 28,20,000, यहाँ पर लिख देते 28,20,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा नोट नंबर फोर, लास्ट नोट, नोट नंबर फोर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा इसमें पहले से कुछ था, चेक करते हैं 30,000 ओपनिंग था 30,000 और पेमेंट किया गया है एक्सपेंसेस के लिए, कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस के लिए पेड हुआ है 5,000, तो बचता है 25,000, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एंट्री किया था यहाँ पर, ये देखो 5,000, तो 25,000 ऐड कर लेते हैं 25,000, तो यहाँ पर हो गया 28,45,000, हाँ 28,45,000, ठीक है, मैंने थोड़ा सा फास्ट किया और थोड़ा शॉर्टकट में किया है, तुम लोग इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेना, मेरा यहाँ हैंडराइटिंग भी बहुत खराब हो गया जल्दी करवाने के लिए, क्योंकि और ये चैप्टर फिर हमें नेक्स्ट दिन नहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो हम लोग दूसरा कोई प्रैक्टिकल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।